में लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में हिंगनघाट विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम वीवीपैट के बारे में जन जागरूकता की जा रही है। मतदाता को इस जन जागरूकता और प्रात्यक्षिक शिविर में भाग लेने की अपील उपविभागीय अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी शिल्पा सोनोले इनके द्वारा की गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में मतदाता को नई ईवीएम वीवीपैट मशीनों का प्रात्यक्षिक किया जा रहा है। यह अभियान हिंगनघाट तहसील कार्यालय से शुरू किया गया है और तहसील कार्यालय हिंगनघाट में मतदाताओं के लिए ईवीएम प्रदर्शन केंद्र शुरू किया गया है। साथ ही हिंगनघाट विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों की सभी ग्राम पंचायतों के साथ साथ शहर के प्रत्येक वार्ड में जाकर ईवीएम प्रदर्शन वाहन के माध्यम से जन जागरूकता पैदा की जाएगी। इन वाहनों में मतदाता जागरूकता के लिए ऑडियो वीडियो सुविधाएं होंगी और प्रदर्शन के लिए मास्टर ट्रेनर नियुक्त किए गए हैं। ये जानकारी उपविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचन अधिकारी शिल्पा सोनोले इन्होंने दी है। तहसील कार्यालय में जागरूकता शिविर में तहसीलदार सतीश मसाल, नायब तहसीलदार सागर कांबड़े, राजस्व कर्मचारी व अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। एनबीसी न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि येनोरकर की रिपोर्ट।